आप ठीक है? अपन तो यहीं पे सही हैं। तो भाई लोग क्या हालचाल? आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। कितना अच्छा होता अगर हम फ्यूचर में जाकर ये देख पाते कि भाई हमारी डिग्री कितने परसेंटेज की बनने वाली है, या हमारी गर्लफ्रेंड कौन बनेगी, बनेगी भी या नहीं बनेगी, या फिर पास्ट में जाके ब्रेकअप करने वाले के गाल पे दो तमाचे खींच सकते। पर अफसोस, अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई घटना जब घटती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम उसको पहले ही देख चुके हैं, या तो हमने उसे सपने में देखा है या वो हमारे साथ पहले कभी हो चुका है। तो मैं पहले ही बता दूं, इसको टाइम ट्रैवलिंग नहीं, इसको तो डेजावू बोलते हैं। बात जब टाइम ट्रैवलिंग की आती है तो यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी वीडियो में ये दावा करते हैं कि कोई बंदा 2050 से 2019 में आ गया, तो किसी वीडियो में ये दावा करते हैं कि जो मम्मी खुदाई के दौरान मिली थी वो एक टाइम ट्रैवलर थी। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि टाइम ट्रैवलिंग के ये जो प्रूफ दिखाए जाते हैं ये एक्चुअल में सच्चाई है या फिर ये सब झूठ है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक्सपोज करते हैं टाइम ट्रैवलिंग को। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम ट्रैवलिंग के एक बहुत ही फेमस वीडियो के साथ। ये वाला वीडियो हो सकता है आपने पहले भी कई बार देखा हो। 1928 में चार्ली चैपलिन की मूवी के प्रमोशन के दौरान इस वीडियो को शूट किया गया था। और जैसा कि इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, ये जो महिला है ये सेलफोन पर बात कर रही है। और ये बात तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1928 में सेलफोन का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर कैसे संभव है कि ये महिला सेलफोन पर बात कर रही है? इसका केवल एक ही मतलब निकलता है कि ये जो लेडी है ये एक टाइम ट्रेवलर है जो कि फ्यूचर से आई है, क्योंकि इसी के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि 1928 के लोगों के पास होती नहीं थी। सुनने में कितना अच्छा और मजेदार लगता है, सुनते ही हम एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं कि ये महिला एक टाइम ट्रेवलर थी और ये फ्यूचर से आई थी। लेकिन जरा रुको, अगर ये महिला वाकई फ्यूचर से आई थी तो इसका सेलफोन 1928 में काम कैसे कर रहा था? क्योंकि ये बात तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी का मोबाइल हो वो बिना नेटवर्क के काम कर नहीं सकता। और ये लेडी अपने मोबाइल पे पबजी या कोई गेम तो खेल नहीं रही कि बिना नेटवर्क के भी काम हो जाए। साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके हाथ में जो चीज है, अगर वो सेलफोन है तो ये उससे बात कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है जियो का नेटवर्क इतना तेज तो नहीं है कि वो 1928 में भी पहुंच जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, वाकई में ये महिला कोई टाइम ट्रैवलर है या फिर ये सिर्फ हमारी आंखों का एक धोखा है? टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस घटना है जो कि है टाइम ट्रैवलर एडवांस ममी की। चाइना में खुदाई के दौरान एक ममी मिली थी और लोगों का दावा है कि ये ममी एक टाइम ट्रैवलर की है, क्योंकि जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इस ममी ने ये जो जूते पहन रखे हैं ये काफ़ी मॉडर्न दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह की एक और घटना है जहाँ पर इस पिक्चर में ये जो बंदा दिखाई दे रहा है ये आसपास के सभी लोगों से कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। इसके कपड़े गॉगल्स अलग हैं और साथ ही साथ अगर इस फोटो को जूम करके देखते हैं तो इस बंदे के हाथ में एक DSLR भी है। और ये पिक्चर तब की है जब ना ही DSLR का आविष्कार हुआ था और ना ही इतने मॉडर्न तरीके के कपड़े पहने जाते थे। लेकिन क्या आप लोगों के मन में ये बात नहीं आती कि टाइम ट्रेवल की सारी घटनाएं इंडिया को छोड़ के बाकी सारी देशों में ही क्यों होती हैं? और तो और टाइम ट्रेवल के जितने भी प्रूफ्स अवेलेबल हैं ये सारे 1982, 1836 इतने पुराने ही क्यों हैं? क्या 2016, 18, 19 में टाइम ट्रेवलिंग की कोई भी घटना नहीं हुई? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी घटना जो कि इंडिया में मुंबई में हुई थी, और ये घटना कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये है 2014 की बात। साहिल वाजपेयी नाम के एक लड़के का बाइक पर एक्सीडेंट हो गया था और वो एक साल के लिए कोमा में चला गया। एक साल तक कोमा में रहने के बाद जब उस बंदे को होश आया तो उसने बताया कि वो टाइम ट्रेवल करके सन 2036 में पहुंच गया था। उसने बताया कि सन 2036 में भारत बहुत एडवांस हो गया है और यहाँ पर उड़ने वाली कारें चलने लगी हैं। उसने ये भी बताया कि सन 2026 में लोग मंगल ग्रह पर जाकर रहने भी लगे हैं। तो जब लोगों ने ये बात सुनी तो उनको यकीन ही नहीं आया। साहिल ने ये भी बताया कि 2016 में चेन्नई में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और यही हुआ। 2016 में चेन्नई में एक बहुत बड़ी सुनामी आई। तो साहिल की कही गई बातों में से ये एक बात तो सही साबित हो चुकी है। अब बाकी देखना ये है आने वाले सालों में साहिल की और कितनी बातें सच साबित होती हैं, क्योंकि साहिल ने तो ये भी कहा है कि सन 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर आज से 300 साल पहले अगर कोई ये बात करता कि भाई लोग हवा में उड़ सकते हैं और मोबाइल फोन जैसी कोई स्मार्ट डिवाइस भी होगी
तो लोग उसको पागल बोलते हैं। लेकिन आज 2019 में हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है। तो यार हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो। और मुझे तो लगता है जब इंडिया में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा तो लोग इतने बड़े बड़े कांड करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। खैर ये सब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप कमेंट करके ये जरूर बताओ कि अगर आपको टाइम ट्रेवलिंग करने का मौका मिल जाए तो आप क्या करोगे। सबसे बेस्ट और मजेदार कमेंट को अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसके लिए तुम्हें टाइम ट्रेवलिंग करने की जरूरत नहीं है, बस नीचे दिए लाल बटन को दबाना है। Till then, goodbye, मिलते हैं अगले मिस्टीरियस वीडियो में।